गुड मॉर्निंग गाइस। और ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ यार, क्या चल रहा है मेरे साथ ये, और ये जगह मुझे को इतनी अजीब क्यों लग रही है। यहाँ पर है पिकाचू और जिगलीपफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी सपने में था। गाइस यार क्या हो रहा है मेरे साथ ये, क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा। गाइस तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। ओके तो देखा आप लोगों ने, मतलब यार ये सारा कांड जिगलीपफ ने किया है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। भाई मतलब क्या अजीब है यार। और यार मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो केवल एक सपना था, और मतलब यार सपना कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ। तो इस टाइम हम आ चुके हैं उसी जगह पर जहाँ से सब चीजों की शुरुआत हुई थी। हमने यहाँ पर जिगलीपफ और पिकाचू को कैच किया, और उसके बाद जिगलीपफ ने अपना काम कर दिया। तो यार चलो एक बार एरिया को देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। और गाइस यहाँ पर एक स्क्वाटल है, और एक सेकंड गाइस ये शाइनी स्क्वाटल है भाई, मैं इसको डेफिनेटली कैच करूँगा, ये बहुत ही रेयर होता है। अरे भाई गलती से हिट लग गया, और मैंने आर्मर पहना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैंने जो है शील्ड को भी इक्विप नहीं किया है। निकलो भाई भागो, क्योंकि हमको टपका देगा, और मैं अभी टपकना नहीं चाहता हूँ। यार गलत बात है यार, अब स्क्वाटल पता नहीं कहाँ पर जा चुका है, मैं उसको यार कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। लेकिन यार आज मैं उसको डेफिनेटली ढूंढ के रहूँगा। और यहाँ पर मेरे को एक पिजी दिख रहा है जो कि यार पहले से तो अलग है, मतलब ये देखो यार इसके नीचे आने का वेट करते हैं। ओ भाई साहब गाइस यार ये भी शाइनी पिजी है, मतलब यार मज़ा आ गया। और यार मुझे लग रहा है कि ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार देखो बैक टू बैक दो शाइनी पोकेमोन हमको दिखे हैं, और इससे पहले हमने यहाँ पर जो है टोगोपी को कैच किया था। भाई मतलब ये एरिया बहुत ही लकी है। और अब बारी है शाइनी स्क्वाटल की, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा यार, मैं ढूंढ के ही रहूंगा शाइनी स्क्वाटल को, मैं ढूंढ लूंगा। यार शाइनी स्क्वाटल पता नहीं कहाँ पर जा चुका है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन यार मिल नहीं रहा, गलत बात है यार ये, लेकिन मैं उसको डेफिनेटली ढूंढ के रहूँगा। गाइस यहाँ पर मेरे को जो है क्रिस्टल दिख चुके हैं, और क्या हम इनको माइन कर सकते हैं। ड्रॉप तो हो चुके हैं लेकिन ये क्या है। गाइस यार यहाँ पर हमको मिल चुका है मेगा शार्ड, यार मतलब सही है। तो यार अब आप लोग जो है मेगा एवोल्यूशन जल्दी ही देखने वाले हो, तो यार बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हो सकता है यहाँ पर जो है और भी हमको क्रिस्टल मिल जाए, क्योंकि यार हम जो है माउंटेन एरिया में, तो यहाँ पर ये सब मिल जाता है। और जैसा कि ये देखो यहाँ पर हमको मिल चुकी है फॉसल। गाइस यार अब हमारा एडवेंचर गया भाड़ में, अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपने घर, क्योंकि हमने अपने पोकेमोन्स को बहुत ही मुश्किल से कैच किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके घर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। यहाँ पर हमारे चैरिज़ार्ड की फ्लेम फुल पावर पर है, इसका मतलब अब हम बहुत ही स्पीड से जाएंगे और बहुत ही जल्दी आएंगे, तो मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। और एक सेकेंड यार मेरे को चैरिज़ार्ड का फेस अलग क्यों लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है इसका फेस चेंज हो चुका है। पिकाचू तो नॉर्मल है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सो लिया है। चलो जल्दी से सभी पोकेमोन्स को डाल देते हैं उनके पोकेबॉल में, और अब मैं जिगलीपफ को कभी भी पोकेबॉल से बाहर नहीं निकालूंगा। चैरिज़ार्ड अपनी फुल पावर में, लेट्स गो। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और गाइस यार मतलब अब मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है पोकेमोन्स को देख कर, यार मज़ा आ गया। और ये देखो यार ये वेनसोर कितना ज़्यादा खुश है यार। एक सेकेंड, क्या ये इसलिए तो नहीं खुश कि मैं घर से बाहर गया था। अपने सभी पोकेमोन्स को यार इतने टाइम बाद देख के अच्छा लग रहा है, मतलब दिल से अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। और यार ये देखो यार ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। तो यहाँ पर अब कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे सभी पोकेमोन्स यार सेफ हैं। और एक सेकंड यार ये फेरो मुझे अलग क्यों लग रहा है, मतलब यार पोकेमोन छोटे से बड़े होते हैं, और ये बड़े से छोटा हो चुका है, कहीं इसने उल्टा कॉम्प्लेन तो नहीं पी लिया। और यहाँ पर मेरे को कुछ अलग दे चुका है जिसको मैंने यहाँ पर प्लेस नहीं किया है। और एक सेकंड गाइस कि हमको लूट देता है भाई, मतलब ये चीज़ बहुत ही सही है। रेटिकेट मेरी याद आई थी ना, चलो अब हम अपने बाकी पोकेमोन से मिलते हैं। तो यहाँ पर है सभी पोकेमोन्स, गए थे यार जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा बिल्कुल है घर, यहाँ पर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ यार बिल्कुल ही सेफ है यार, मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल ही, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। और मिलो हमारे न्यू पोकेमोन फ्रेंड से, यार ये देखो मतलब ये भी बहुत ही सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है बहुत ज़्यादा पोकेमोन फ्रेंड बना लिए, जो कि यार एक बहुत अच्छी बात है, और मैं इनको अभी के लिए यहीं पर बैठा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं जो अपने पिजी को विकसित करने वाला हूँ पिजियोट में, क्योंकि यार वो शाइनी है, और यार शाइनी पिजियोट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यार चलो अब हम जो है जल्दी से अपने घर जाते हैं। और यहाँ पर एक और है, और इस बार हमको कुछ नहीं मिला। ओके तो ये सब जो है रैंडम होता है, जल्दी से हम
चलते अपने घर में और रेयर कैंडी के बाउल से उसको जल्दी से हम करते हैं विकसित। और हम आ चुके हैं इतने टाइम के बाद अपने घर में। अरे यार ये क्या दिक्कत है, क्या प्लेजर्स हमारा स्वागत करने आए? तो चलो अगर प्लेजर्स की यही इच्छा है तो चलो हम भी इनकी खातिरदारी कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं अपना ओपी वाला बो लेकर आता हूँ घर से। प्लेजर्स मैं आ चुका हूँ, छोड़ूंगा नहीं। गाइस यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो डिस्पॉन हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर मैंने जो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन पकड़ा है, जिसको यार पकड़ने में मेरी और पिकाचू की दोनों की बुरी हालत हो गई और हमारे जो लूट भी जा चुके हैं, लेकिन हमने फाइनली उसको कैच कर लिया। और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मिलो हमारे अरेकनाइन से। गाइस ये देखो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त है ये। तो मैंने जो ग्रोलिस को पकड़ा और पकड़ते इसको फटाक से मैंने विकसित कर दिया और यार मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राइडिंग गाइस हम कर सकते हैं, और भाई राइडिंग यार मतलब क्या ही बताऊँ यार, ये मतलब ये इसकी जो है राइडिंग स्मूथ है और बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई। आज से मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ डेफिनेटली। मतलब यार इसकी स्पीड इतनी तेज है कि इवन पिकाचू तक इसको मैच नहीं कर पा रहा भाई, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। हमारा जो है अरेकनाइन बहुत ज़्यादा ओपी है यार। ये देखो यहाँ पर एक म्याउथ है, तो यार चलो इसको भी हम कैच कर लेते हैं। म्याउथ वैसे कोई खास तो नहीं है, लेकिन हम कैच कर लेते हैं क्योंकि एक पोकेमॉन मास्टर सभी टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करता है, चाहे वो म्याउथ हो चाहे वो गैराडोस, हम सभी को कैच करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारे पास म्याउथ, और यार मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या मैं ये म्याउथ का चार्म ले सकता हूँ? अबे साले। तो गाइस आज के एपिसोड की शुरुआत यार चाहे जितनी भी अजीब हुई हो, लेकिन यार एंडिंग एक बहुत ही अच्छी हुई है। यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा न्यू पोकेमॉन्स को कैच किया और यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर हमने जो अरेकनाइन को पकड़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यार बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी एनिमेशन भी बहुत ही प्यारी है। लेकिन गाइस यार वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं जो आप लोगों की एक खतरनाक वाली लिस्ट जानना चाहता हूँ। तो यार देखो हमारे जो फीचर से फाइट करने का टाइम अब पास आता जा रहा है, तो यार देखो डेफिनेटली हम जो पोकेमॉन का तो यार यूज़ करेंगे, और मैं ऐसे थोड़ी ना अपने सभी पोकेमॉन्स को यार बैटल फील्ड में उतार दूंगा, क्योंकि यार ऐसे तुम्हारे आधे से आधा पोकेमॉन टपक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो अपने पोकेमॉन्स की एक खतरनाक वाली लिस्ट बनाऊंगा जो कि विदर से फाइट करेंगे। तो यार आप लोग जो है मुझे कमेंट में इन पोकेमॉन की लिस्ट बनाओ, आपको तो पता ही है कि मेरे पास है कौन से पोकेमॉन। तो जल्दी से लिस्ट बनाओ और कमेंट में बताओ आपकी लिस्ट में जो भी नाम होंगे हम जो उन पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे विदर के साथ, यार मजा आने वाला है। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं आपको जो नोटिफिकेशन मिल सके। और तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।